पर वाकया मेरे को अभी तक नहीं मिला है। करीब चार पाँच साल हो गए हैं मैं कागज लेकर घूमता फिरता हूँ। हमारे ऐसे मजदूरों के गरीबों का कोई कागज है कोई देखता नहीं है और इधर इधर भटकते रहते हैं हम मजदूरों करने वाले। और जो भी हैं बड़े बड़े हैं नेताओं का उनका काम हो जाता है बाकी मजदूरों का काम हमारा नहीं होता है। धन्यवाद। हाँ भाई, तो हमारे साथ में बाबूलाल जी है, इनकी धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हो गया था, मौत हो गई है और अभी तक उनको जो है मुआवजा किसका मुआवजा नहीं मिला आपको? डायरी थी, श्रमिक डायरी थी। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? कौन सी पंचायत समिति? खेरवाड़ा। तो देखिए अभी तक भटक रहे, कितना समय हो गया आवेदन किए को? चार साल हो गए। तो चार साल से अभी तक इनको पैसा नहीं, क्या कहा अधिकारियों ने? कहा क्या कहा गए तो कब मिलेंगे? तो देखिए कोई जवाब देते नहीं है, ये भटक रहे हैं। अपनी पत्नी जो है वो स्वर्गवास हो गया है, उनका निधन हो गया है, मर गई है, लेकिन अभी तक कितने बच्चे हैं आपके? उनको कैसे पाल रहे हो? उनके काम करने के कानून। तो देखिए पत्नी नहीं रही है, घर का कोई वारिस नहीं है, देखने वाला नहीं है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में देखो ये अपनी शिकायत को लेकर जो है इस जवाबदेही यात्रा के दौरान धरना पे आए हैं और आज ये पूरा धरना जो है मोहता पार्क में चल रहा है और हम कलेक्टर को ये जो पूरा ज्ञापन जो है वो देने वाले हैं। और तमाम जो हमारे साथी है वो यहाँ मौजूद है, ट्रेड यूनियन मौजूद है। क्या मांग की आपने आज, क्या शिकायत दर्ज की है? तो देखिए ऐसे व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों रोड़े अटका देता है विभाग। उनको दे देना चाहिए, तत्काल दे देना चाहिए मुआवजा ताकि इनके किसी काम आ सके। लेकिन आप देखें ये लोग भटकते रहते हैं, योजनाओं को तो सरकार बनाती है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता है, अधिकारी टालम टोल जवाब देते हैं। और इनको कितनी बार आ गए उदयपुर, अभी तक कितनी बार आ चुके हो? तो देखिए समस्या वो की वही है और आप समझ सकते हैं कि इस देश में जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक देखो ये आपने इसकी समस्या को सुना, इधर आके बताओ थोड़ा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सब दुखी है ना? दुखी नहीं है? दुखी है। क्या हुआ? मिस्किन बनाए बनावे बनाया कोई मेरे स्कूल फार्म फार्म भराया तो ये एक मिनट, ये दूसरी है बात है, ये दापू भाई है और ये खुद अरावली में संगठन की पदाधिकारी है, फिर भी देखे इनका भी काम नहीं हो रहा, क्या हुआ आपके, क्या समस्या आई? मेरे कोई कमी नहीं, चार चार बार उदयपुर भी आई तो मेरे कोई फार्म में कमी नहीं रही, आवेदन बरूबर दीजा आज 5 बजे कल 5 बजे सब बार बार महीना भी यही भी पड़े अगर उन्होंने विधवा मेरे पशु भी नहीं कोई जाने भी नहीं ठीक है।